साइकिल लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं मतलब दोनों भाई के साथ जो पास में स्टूडियो लगाते हैं शमशान में, वही वाला भैया मैं ब्लॉग बनाने लगा तो हंसने लगा ये लोग। तो वहाँ पर मतलब वो लोग कैमरा ख़राब हो गया इन लोगों का स्टूडियो जो है, तो कैमरा इसलिए खर्च नहीं जा रहे हैं। तो पहले तो हम ऑर्डर देंगे, पता नहीं क्या होगा। तो एक मेरे भाई जो है वो पहले वीडियो में आप लोगों ने देख चुका होगा कि भैया जिसको कह रहा था, ये देखिए बाल बाल कटवाया। और ये वही वाला बंदा जो शर्माता है, दिखा दो आप लोगों को। तो आज हम आए हैं, मतलब मैं सोच रहा था तारापीठ से ही ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही बनने लग गया। तो मैं सोच रहा था कि ब्लॉग बनाने लग जाऊंगा तो ये लोग हंसने लग जाएंगे, तो वही हुआ, ये लोग हंसने लगे। जगह ब्लॉग बनाना शुरू किया। अभी हम पहुंच गए, अभी रखो रखो कर रहा है। जैसे मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, एक बात बताओ आप लोगों की, जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो कुछ भी तो शो कर सकता हूँ। ये वही वाला भैया है, देखो। हाँ कोई बात नहीं है, गर्मी ज़्यादा हो रहा है इसलिए शर्ट खुला हुआ है, बटन आप लोग कोई मत समझना। देखिए देखिए वाल वाल कैसे सेट कर लिया एक ही बार में। और ये सारे जो मतलब, हाँ एक बात तो बताना ही भूल गया, हम लोग कहाँ पर आई है, तो रामपुरा हाट आई है, मतलब तारापीठ से रामपुरा हाट आई है। रामपुरा हाट में जो सुपर गोली मार्केट है, वो सुपर गोली मार्केट में जाएंगे। और का मतलब जो एक काम करते हैं उसका नाम है गुड्डू है, मतलब शेयर में उन लोगों का दुकान है। तो वहाँ पर ही हम लोग जा रहे हैं, अभी गुड्डू के साथ बात करेंगे, गुड्डू के साथ बात कर। तो ये हम बैंक रोड पे है, अभी देखिए बैंक रोड का नज़ारा आप लोगों को पीछे से दिख रहा है। और भैया कुछ बोलो, हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, बस यही बोल के छोड़ दिया। वैसे मैं पहले भी, मैं भी ऐसा ही करता था। अभी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जब तक पहुंच नहीं रहे तब तक चलिए चलते ही है। अभी एक बैंक आ गया, तो हम लोगों को शायद नेचुरल आवाज़ आ रही होगी क्योंकि गाड़ी ट्रक वगैरह सब कुछ चल रहा है, ऑटो टोटो सब कुछ, मतलब बैटरी रिक्शा जिसको कहते हैं। बाद में अभी हम गली में पहुंच गए, वही वाला पसीना आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, सर में दर्द वगैरह नहीं गया। और कल तो आप लोगों को बताया था मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, तो एक दवाई लेके आया था, फिर से नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास दिखाऊँगा, तो इसीलिए डॉक्टर को नाम भी लिखा दूँगा। तो चलिए अभी चलते हैं, दुकान आ गए हैं, दुकान की एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, फिर स्लो पे जाना पड़ रहा है। अभी आ गए हैं हम लोग दुकान में, आ गए हैं और भैया दोनों भाई पहले ही पहुँच गए हैं। ये है दुकान का नज़ारा, चलिए हम एंट्री करते हैं। ये है अभी देखिए गुड्डू भैया भी है सामने, और चलते हैं साइड को और बात बात करेंगे। A few moments later. तो फाइनली मैं घर पे आ गया, घर पे मतलब घर पे इसलिए आ गया क्योंकि, और वीडियो बना नहीं पाया दुकान के अंदर घुसने के बाद, इसलिए क्योंकि मैं अंदर तो गया था, फ़ोन हमारा मतलब मेरा जो फ़ोन था वो फ़ोन मेरा डेथ हो गया था, मतलब बैटरी नहीं था, स्विच ऑफ हो गया था। तो मतलब वैसे मेरा 5% या 10% बैटरी था, मैंने सोच रहा था कि ब्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मैंने पहले ही आप लोगों को वीडियो में बताया था, तो इसलिए मेरा फ़ोन डेड हो गया तो बताया नहीं पाया। लेकिन वहाँ पर जो हुआ था कांड, मतलब कांड क्या बोलो, मतलब वहाँ पर जो प्रॉब्लम हुआ था वही मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ। तो प्रॉब्लम यही हुआ था कि हम लोग जब गए थे तो कैमरा लाने के लिए, तो हम लोग फाइनेंस पे ले रहे थे क्योंकि मेरा भैया मतलब जो तारापीठ मोह शमशान में जो बिजनेस करते हैं ना, वो उसका फ़ोटो स्टूडियो है, बाघ को लेके मतलब फ़ोटो खींचते हैं, बाघ के बीच में बिठा देते हैं, मतलब टेडी बियर टाइप का ये है, शेर है, तो शेर के टेडी बियर का शेर है, तो उसको बिठा देते हैं वहाँ पर फ़ोटो खींचते हैं। तो वहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा जो था, कैमरा को ख़राब हो गया, तो हम लोग कैमरा ख़रीदने जब गए वहाँ पर, तो
बोल रहे हैं कि भैया कैमरा तो है लेकिन जो कैमरा दिखाया वो हम लोगों को पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा दूसरा बोल रहा कि कैमरा का अभी तो डिमांड नहीं है, ये पहले बहुत पहले आया था इसलिए हम लोगों के पास एक ही पीस है। तो मैंने कहा नहीं, हम लोगों का निकॉन की डी 3500 चाहिए या फिर 3400, दोनों में से कोई एक मिलेगा तो चल जाएगा। तो ऑफर नहीं है बोल रहे कि, तो हम लोगों ने बोला कि ऑर्डर दे के मिल जाएगा, एडवांस दे दो तो कुछ। बोल रहे क्या नहीं। फिर हमने दो चार दुकान ढूंढने के बाद एक दुकान पे जाके मिला, फिर वहाँ पर हम लोगों ने 2000 एडवांस किया। एडवांस करने के बाद फिर बोला कि 15 दिन का टाइम लगेगा, टोटल 15 दिन, 15 दिन बाद हम लोगों को मतलब कैमरा मिल जाएगा। वो भी फाइनेंस पे लेंगे, मतलब 30% पेमेंट देना पड़ेगा और 30% के बाद फिर आप लोग जितना होगा मतलब जितना कैमरा का रेंज आएगा उस हिसाब से मिलता जाएगा, मतलब इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी, फिर अभी तो घर पे आ गया और काजल की तबीयत भी ख़राब था इसलिए मैंने देखा कि उस दिन तो कल तो दवाई लेके आया था, कल वाली आप लोगों को दवाई दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कल वाली दवाई, तो यहाँ पर ही भरा हुआ है। तो उसके बाद काजल की मतलब तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि चक्कर आ गई थी काजल को, तो चक्कर आ गई थी तो हम लोग क्या करें। तो इसीलिए मतलब हमारे यहाँ पर होम्योपैथी डॉक्टर बैठते हैं, जो लेडीज़ एक डॉक्टर, उनके पास से दवाई लेके आया। तो ये तीनों दवाई दिया खाने के लिए, सुबह शाम एंड दोपहर और रात को, गिर ना जाए। ये तीनों दवाई देखिए, पानी पानी का और जो साबूदाना टाइप का होता है वही वाला काजल के लिए लेके आया। तो यही है और बाकी कुछ नहीं अभी, और काजल देखते हैं काजल क्या कर रही है अभी, आप लोग देख ही पाओगे। तो काजल अभी खाना परस रही है, देखिए। तो हम लोगों तो खाना खाएंगे अभी, तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं तो फिर बात करेंगे, नहीं फिर नहीं बात करेंगे क्योंकि अभी सोएंगे, थकान भी है, चाय भी सेल करने जाना है, शायद आज लोग जन कम है, शायद जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, सोच के डिसीजन लूँगा क्योंकि बिस्किट वगैरह सब कुछ लेके आया, दोनों डब्बे में भर लिया। तो अभी देखते हैं, सोचते हैं, अगर मन करेगा तो चला जाऊँगा, नहीं तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो लेके मिलते हैं, बाय।